पानीपत को न्योता दिया गया है क्योंकि करनाल में 10 अक्टूबर को शहीद बाबा दीप सिंह जी की शहीदी को समर्पित गुरमत समागम होने जा रहा है। इतना ही नहीं, हरियाणा के सिखों के हक में आए फैसले को लेकर कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सम्मानित भी किया जाएगा क्योंकि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की नींव हुड्डा द्वारा ही रखी गई थी, जिसका सारा श्रेय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही जाता है। ऐसा पानीपत में पहुंचे कांग्रेसी नेता सरदार त्रिलोचन सिंह ने कहा। उन्होंने क्या कुछ आगे कहा वो भी सुनिए। हुड्डा साहब ने उस वेले बड़ी गहराई में जाके चिट्ठा कमेटी का गठन किया। उस चिट्ठा कमेटी ने दोबारा सारे हरियाणा सर्वे किया। हरियाणा सर्वे करने के बाद उन्होंने जो कहता कि मंग जायज है, तो फिर हुड्डा साहब ने बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के नाल, बड़े बड़े वकीलों के नाल, जो जज रिटायर हो चुके हैं उन्होंने नाल, कई तरह के समाज के लोगों नाल गल करने तो बाद उन्होंने इसका कानून बनाया। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाम दिता गया, कानून बना के उन्होंने विधानसभा पास किया गया। कानून बनने तो बाद पंजाब बीजेपी अकालियों की सरकार सी उसे बड़ा विरोध होया। हुड्डा साहब ने भारी विरोध के बावजूद इस गठन पर मोहर लगाती, मसौदे पर मोहर लगा दी। मसौदा पूरी तरह तैयार हो गया। उस तो अगला जरा कर सी वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट स्टे हो गया। 8 साल के घटो घट 5 वारी सुप्रीम कोर्ट के जजा ने सारा फैसला जो बनाया गठन किया, जो मसौदा तैयार किया, निगाह मारी। उन्होंने एक भी गल ऐसी नहीं लभी कि उन्होंने मंजूरी ना देंगे, क्योंकि साढ़े मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा तो उन्होंने नाल जिन्हें भी उस समय मंत्रीमंडल मंत्री सन, जोड़े अहद्याद सन, जोड़े ऑफिसर सन, उन्होंने बड़ी काबिलियत नाल मसौदा तैयार किया, कानून बनाया। जब सुप्रीम कोर्ट ने वेख्या कोई कमी नहीं, उन्होंने उस पूरे मसौदे उत्ते मोहर लाती, एक भी लैन किंतु परंतु नहीं की। ये बड़ी वड्डी जित सी हरियाणा के गुरु घरां नूं मनण वाले लोगों की। लेकिन थोड़ा जा महसूस इसलिए होया कि जिन्हें लोगों के कहे पर हुड्डा साहब ने लड़ाई लड़ी, जिन्हें कहे पर हुड्डा साहब ने पंजाब अकाली दल के बीजेपी का विरोध जरिया, जिन्हें कहे पर हरियाणा में जरा कुछ लीडर ने बगावत की, उन्होंने बजाय हुड्डा साहब की कोठी वाल मूँह कर थोड़ी अगे लंघ के मुख्यमंत्री साहब का शुकराना करो। सानू इस गल का इतराज नहीं है कि मुख्यमंत्री साहब का शुकराना ना करो, ये साढ़े भरा हैं। लेकिन जिन्हें काम किया हों पहले वो घर जा शुकराना करी हों, उस तो बाद क्योंकि सरकार है। दूजे पास मैं मानता हाँ भी सरकार का दबाव हों, अगे फिर कुर्सी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। लेकिन असी इस गल नहीं जाना, असी तो सिर्फ इतनी रुक जाना है कि यदा गठन जरा किया गया वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। अज मैं पानीपत संगत ने दर्शन करने लिए आया था। बुले शाह जी ने कहा कि भी हुड्डा साहब जो प्रोग्राम करनाल हो रहा है, इतने आओ, इतने आके सारी संगतों को भी मिलया, नाल ही इनवाइट किया उन्होंने सारे कि 10 तरीक न करनाल धन धन शहीद बाबा दीप सिंह जी गुरद्वारा साहब सैक्टर 34 बहुत बड़ा समागम होने जा रहा है। उस समागम साढ़े हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा पहुँच रहे हैं, जिन्हों का संगतान वालों धन्यवाद किया जाएगा। धन्यवाद इस गल का कि हरियाणा गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जो बनी है वो बनाने पिछे पूरा जो योगदान है हुड्डा साहब का सी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले उत्ते मोहर लगाई जिहड़ा 2014 च विधानसभा हरियाणा सरकार ने पास करके भेजा सी, उस उत्ते सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। उसी खुशी च हरियाणा की सिख संगत बड़ी खुशहाली है, इस गल नूं लै के बड़े खुश हैं कि हरियाणा गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी हुण हरियाणा के हितों च काम करेगी। करनाल में किस जगह होगा सर? करनाल करण विहार ते अगर स्कूटर मोटरसाइकिल जाना करण विहार 34 नंबर गली, अगर कारां जाना होए तो शुगर मिल के कोल दी रस्ता जाता है, धन धन बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा है, उत्थे प्रोग्राम है, उत्थे नाल खाली ग्राउंड है, उत्थे प्रोग्राम है। 10 अक्टूबर सोमवार सुबह
9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक करनाल में शहीद बाबा दीप सिंह जी की शहीदी को समर्पित गुरमत समागम होने जा रहा है, जिसमें पंथ के महान रागी और दाड़ी जत्थे पहुंचेंगे। साथ ही विशेष तौर पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा और कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा भी पहुंचेंगे। पानीपत में श्री गुरु तेग बहादुर भवन में सिख संगतों को आमंत्रित करने के लिए कांग्रेसी नेता सरदार त्रिलोचन सिंह पहुंचे। सब तो मुख्य रूप दे विच सब तो वड्डी जो खुशी है हरियाणा की साध संगत वास्ते, जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है उन्हों लंबी लीगल लड़ाई तो उपरंत कानूनी मान्यता प्राप्त हुई है। उस दे मुतलक उन्हों दा शुकराना दे रूप दे विच एक निवेदन सी, आमंत्रण सी और एक इनविटेशन सी सारी संगत नूं कि श्री भुपिंदर सिंह जी हुड्डा जिन्हां दे समय विच 14 जुलाई 2014 नूं हरियाणा की कैबिनेट दे विच हरियाणा की सिख संगत की पुरजोर मंग नूं मुख रखते हुए श्री गुरु SGPC हरियाणा हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के गठन का उन्होंने जो फाउंडेशन स्टोन रखा सी उन्होंने शुकराने दे विच उन्हां दे सम्मान दे विच 10 तरीक नूं करनाल विखे एक वड्डा समारोह किया जाएगा, जिहदे विच इलाके की संगत और पूरे हरियाणा के सिख संगत और गैर सिख साडे सारे भरा मिल के पूरी पंजाबीयत उन्हां दा सन्मान करेगी और उन्हां दा सन्मान बनता भी है। असी उन्हां दा भी हरियाणा सरकार दे और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उन्हां दे वर्डिक्ट और उन्हां सारे जिन्हां लोगों का सब का सम्मान बनता है असी उन्हां नूं थैंक्स बोलते हाँ, क्योंकि फाउंडेशन जो स्टोन है वो उस टाइम ही 14 जुलाई 2014 नूं ही श्री भुपिंदर सिंह हुड्डा जी द्वारा रखी गई सी। असी उस चीज़ नूं कभी भुला नहीं सकते, उन्हां दीआं सेवावां कभी भी नकारियां नहीं जा सकदियां। जिन्हां जिन्हां ने इन्हां इस मामले दे विच इस केस दे विच इस प्रकरण दे विच सिख संगत का हरियाणा की पर्टिकुलरली हरियाणा की सिख संगत का जो सहयोग दिता उन्हां दा असीं सब दा धन्नवाद करांगे। मैं भी यही बेनती करदा कि आप सब हुम-हुमा के जिथे 9 तरीक नूं हरियाणा सरकार ने शुकराना समारोह रख्या है 10 तरीक नूं भी आप सब लोग सिख संगत मिल के और श्री भुपिंदर सिंह हुड्डा जी उन्हां दीआं सेवावां नूं मुख रखते हुए उन्हां नूं जी आया आखना चाहिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। इस अवसर पर कांग्रेसी नेता बुल्ले शाह सहित गुरुद्वारा साहिब के प्रधान और कई सिख संगत मौजूद रही। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।